Good morning, students. So in our last lecture, we all have discussed about context on value formation. School context और value formation, ये जो दो हिस्से हैं, ये जो आपका title है, इस title को हम लोगों ने दो हिस्सों में divide किया था. पहला हिस्सा है school context और दूसरा हिस्सा है value formation. अब हमने इन तमाम चीजों पे ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि स्कूल कॉन्टेक्स्ट यानी कि जो एक एम्बियंस आप स्कूल में क्रिएट करते हैं, जो एक आपका स्कूल का माहौल होता है, वो सारा माहौल तलबा के वैल्यू फॉर्मेशन पर किस तरह से असरअंदाज होता है. हाउ यू टीच द वैल्यूज टू योर स्टूडेंट्स, हाउ यू टीच देम टू बिहेव, उनका आपस में रखरखाव कैसा होना चाहिए, उनका समाज में बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनका घर में रवैया कैसा होना चाहिए, तलबा का अपने वालदैन के साथ किस तरह से रवैया होना चाहिए, अपने असातिज़ा के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है. इसके साथ साथ आपका अगला जो बिट है, डी बिट, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज इन सोसाइटी. समाज में ये तमाम इकदार किस तरह से बढ़ा सकते हैं तालीम के जरिए, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म द वैल्यूज इन सोसाइटी. सो दीज बोथ द टॉपिक्स, द सी बिट एंड द डी बिट, दीज बोथ द टॉपिक्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड. एक तरफ हम स्कूली माहौल की बात कर रहे हैं, हम स्कूल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, और दूसरी जानिब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज इन सोसाइटी की बात कर रहे हैं. यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज हम स्कूल में भी बच्चों को सिखा रहे हैं. जब वो स्टूडेंट्स आपके सुपरविजन में, आपके गाइडेंस में, स्कूल में अपना ज्यादातर वक्त गुजारते हैं, तो आप अपने बिहेवियर के जरिए, अपने रवैये के जरिए, अपने रहन सहन के जरिए, आपके बातचीत करने के तरीके के जरिए, वो जो चीजें सीखते हैं, वो तमाम चीजें उनकी खुद की जिंदगी गुजारने के लिए उन्हें किस तरह से काम आने वाली है, किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकती है, किस तरह से मुफीद बख्श साबित हो सकती है, ये सारी चीजों को कंसिडर करते हुए आप उन्हें वैल्यू एजुकेशन देते हैं. विथ योर कंटेंट, विथ योर सिलेबस, यू एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो एनी टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग देम वैल्यू एजुकेशन. आप कोई रेफरेंस बुक्स के जरिए, ओपन सो एंड सो पेज नंबर एंड वी वर लर्निंग सो एंड सो चैप्टर ऑफ वैल्यू फॉर्मेशन, ये नहीं होने वाला है. लेकिन by your behavior, by your attitude, by your performance, you are going to teach them, you are going to, I think somebody else is there in waiting room, just a moment. I don't think ki class chalte hue un logo ko add kiya ja sakta hai ya nahi kiya ja sakta hai, I'm not sure about that. Yeah, sorry for the interruption, and I think so Kashyap has joined right now, as I have kal se messages I'm posting in the group that we are supposed to start at 10:45. Again, koi Shumaiza Sheikh is there in waiting. Please, aap log bahut zyada disturb ho jata hai ye puri class. Try to report 5 minutes early. Whenever your class timing is given by any of your faculty, report aapko 5 minutes pehle. Again, Nida Fatima is there. So, aap logo se ye request hai ki kisi bhi class mein
आपका जो वक्त दिया जाता है उस वक्त से आपको 5 मिनट पहले रिपोर्ट करना चाहिए, ना कि अगेन शेख अर्शिया इज देयर। आई एम नॉट श्योर कि ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है तो ये सेशन किस तरह से रिकॉर्ड होने वाला है, बट चलिए एनी वेज। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन वैल्यू फॉर्मेशन, वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू फॉर्मेशन, वॉट विल बी योर रोल इन वैल्यू फॉर्मेशन, वॉट विल बी द रोल ऑफ स्कूल कॉन्टेक्स्ट इन वैल्यू फॉर्मेशन, किस तरह से स्कूल का माहौल, मदरसे का माहौल, कमरे जमात का माहौल, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो पूरा एम्बियंस, वो पूरा एटीट्यूड आपका एज अ टीचर जो होता है वो किस तरह से असरअंदाज होता है वैल्यू फॉर्मेशन में और समाज को बनाने में। अगेन वन रिक्वेस्ट, फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स अगर आप लोग भी लेट सेशन ज्वाइन करते हैं तो आई एम नॉट गोइंग टू एडमिट यू इन माई सेशन, एज इट वॉज वेरी फर्स्ट डे ऑन टीचमेंट। आप लोगों को भी अंदाजा नहीं था कि इसे किस तरह से एनरोल करना है, किस तरह से रजिस्टर करना है, और लेकिन अगर अगले जो सेशन होने वाले हैं अगर आप लोग लेट होते हैं तो आई विल बी नॉट ज्वाइनिंग यू इन दैट सेशन। Okay, so we were discussing on what is your role as a teacher in value formation, what is the role of your school in value formation, talba mein iqdar paida karne, wo tamam salahiyatein paida karne mein jo ke ek ideal citizen mein honi chahiye, jo ke ek ideal शहरी में होनी चाहिए, वो आप दरस व तदरीस के दौरान अपने तलबा में वो तमाम सलाहियतें डेवलप करने का काम करते हैं। वी हैव सीन फुल फॉर्म ऑफ वैल्यूज, आई हैव शोन यू वन स्लाइड, वी फॉर विजन, ए फॉर एटीट्यूड, डू यू रिमेंबर? Yeah, it was V for vision, A for attitude, L for love, U for understanding, E for education, and S for services. Very, very, very good. So, इस तरह से हमने values को explain करने की कोशिश की थी और values को समझने की कोशिश की थी. Then we have discussed on honesty, happiness, commitment, family, efficiency, ambition, challenge, reliability, teamwork, enjoyment and all, right? उसके बाद जो values से related जो चीजें थी that we were supposed to discuss and those were morals, philosophy, honor, respect, truth, principles, purpose, attitude, conduct, fairness, ये तमाम चीजें आपके value formation में असरअंदाज होती है। I'll try to share PDF of this slide. Is this visible to you all? इन चीजों पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किसी को कोई डाउट
कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे यहाँ तक आने में? सारी चीजें क्लियर है? दिस थिंग विच आई हैव जस्ट नाउ टोल्ड यू दैट एथिक्स है, फेथ है, वैल्यूज है, इक्वालिटी है, फेयरनेस है, कंडक्ट है. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विथ यू. यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड ऑल्सो. Yes, this thing is contribution of education for transformation of values in society. Ab taleem kis tarah se help kar sakti hai, kis tarah se madadgar sabit ho sakti hai, you write down this definition also. Bhale hi aapke paas ye powerpoint pahunch chuka hai, ppt aapke mobile mein save rahegi, but you should note down the things during your online classes also. Education transform both societies and people in a particular direction. Taleem samaj ko bhi aur yahan rehne wale afraad ko bhi ek makhsoos simt dene ka kaam karti hai. It transforms both society and people in a particular direction by shaping and reshaping. Shaping and reshaping. इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए. यानी कि तालीम के जरिए सिर्फ आपके thoughts, आपके जिंदगी गुजारने के तरीके, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, ये सिर्फ बनता ही नहीं है लेकिन बार बार बनता जाता है. विथ न्यू एनहांसमेंट, विथ न्यू डेवलपमेंट, विथ न्यू स्पिरिट, विथ न्यू एंथुजियाज्म, विथ न्यू जील, विथ न्यू जीस्ट, तालीम के जरिए आप में चीजों को देखने का परसेप्शन बदलता है, चीजों को हैंडल करने का आपका मिजाज बदलता है, आपका रवैया बदलता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड में तब्दीली आती है. जो चीजें आपको आज बहुत ज्यादा मुश्किल तरीन नजर आती है, उसी चीज को प्रैक्टिस के जरिए और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के जरिए आपको कल वो चीज बहुत आसान नजर आएगी. तो ये चीजें तालीम ही के जरिए आप में डेवलप होती है, आप में ये चीजों की ग्रोथ होती है. एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन. द वर्ड विच आई हैव यूज्ड हियर, रीशेपिंग, यानी कि तालीम के जरिए सिर्फ एक ही बार कोई चीज आप नहीं बनाते हैं लेकिन बार बार आप उस चीज को बनाते हैं. आप कि जहनियत, आपकी सोच बार बार तब्दील होती है. किसी भी एक मुश्किल मसले को हल करने में आप उसे आसान बना सकते हैं सिर्फ थॉट प्रोसेस के जरिए और आपकी तालीम के जरिए. सो एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्स बोथ सोसाइटी एंड पीपल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन by shaping and reshaping their patterns of thoughts, means of problem solving and ways of life. This will then contribute to further individual and social transformation. Is this visible to you all? This diagram which I tried to show. देखिए, एजुकेशन सेंटर रहेगा, लोकस आपका एजुकेशन रहेगा. इसी के जरिए लाइफ स्किल्स, मिशन, आपका जिंदगी गुजारने का मकसद, आपका हुनर, आपकी तालीम, ये तमाम चीजें एजुकेशन के अतराफ घूमने वाली है.
उसके बाद ह्यूमन वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, देन कम्स योर करियर रिक्वायरमेंट्स, आपके पेशे के ताल्लुक से, आपके मुस्तकबिल के ताल्लुक से, आपके फ्यूचर के ताल्लुक से, देन नेशंस रिक्वायरमेंट्स, मुल्की सतह पर आपकी तालीम, आपका स्टेटस, आपकी सोच किस तरह से न सिर्फ आपकी नशोनुमा या आपका आपकी ग्रोथ के लिए काम आने वाला है, बल्कि जब आपका आपका डेवलपमेंट होगा, आपकी ग्रोथ होगी, तो जाहिर सी बात है आपके शहर का डेवलपमेंट होगा, आपकी रियासत का डेवलपमेंट होगा, आपके मुल्क का डेवलपमेंट होगा। आप ही के ट्रेन किए हुए तलबा कल समाज में जाकर साइंटिस्ट बनेंगे, कल वो डॉक्टर्स बनेंगे, प्रोफेशनल्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे। तो यू शुड आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन ऑन योर शोल्डर्स टूडे। आज आपके कंधों पे कितनी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है समाज के जरिए, इस चीज का एहसास जब एक उस्ताद में पैदा हो जाता है, देन ही इज समवेयर बेनिफिशियल फॉर द नेशन। ही देन रियलाइजेस द थिंग कि आज मैं तख्त सियाह पे जो चीजें लिख रहा हूं, ब्लैकबोर्ड का इस्तेमाल जो कर रहा हूं, ये मैं इन बच्चों के मुस्तकबिल को किस तरह से रोशन कर सकता हूं, उस नियत से लिख रहा हूं। टीचर का क्लासरूम में बिहेवियर, उसका ब्लैकबोर्ड इस्तेमाल करने का तरीका, उसका टीचिंग एड्स इस्तेमाल करने का तरीका, उसका पावर पॉइंट का तरीका इस्तेमाल करने का तरीका, ये सारी चीजें आज मैं अगर एक कदम भी आगे बढ़ा रहा हूं, तो दिस माय स्टेप इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माय नेशन। ये सोच जब एक असातिज़ा में, जब एक उस्ताद में, जब एक टीचर में, जब एक रास्ता दिखाने वाले में पैदा होगी, तब जाके देश का विकास होगा, नेशन डेवलपमेंट की बात होगी, और आज की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी। देन रिस्पेक्टिंग नेचर एंड स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मॉरल वैल्यूज के जरिए स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट कैसा होता है, किस तरह से रूहानी इर्तिखा की हम लोगों ने बात की थी, किस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है एंड ऑल। सो ये आपके जो डी बिट है पेपर 6 का, नॉलेज एंड करिकुलम का। सी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज इंपैक्ट ऑफ स्कूल कॉन्टेक्स्ट ऑन वैल्यू फॉर्मेशन, एंड डी इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज इन सोसाइटी। इज इट क्लियर? सो आई थिंक इन टूडेज लेक्चर वी कांट able to wind up this thing. We'll be continuing this thing in next lecture, that is on Saturday, right? On Friday, Kashifa madam will be taking my session, aur काशिफा मैडम का अगला जो सेशन रहेगा, आप लोग दोनों मुबारकबाद जरूर दीजिए। उनका पीएचडी का वाइवा हो जा रहा है, अभी थोड़ी देर में 11:30 को स्टार्ट होगा। नाउ शिल बी डॉक्टर काशिफा अंजुम, तो आप लोग जरूर उन्हें मुबारकबाद दीजिए। जी आई थिंक यू पीपल हैव रिटन दिस थिंग, वेरी गुड। यहां तक हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस की है, सारी चीजें समझ में आई है या कुछ डाउट है? इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन आस्क। कितना टाइम रह गया सेशन खत्म होने में? वैसे नहीं, आपका कोई दूसरा पीरियड होगा ना? अच्छा,
वेरी गुड, वन मोर स्टूडेंट इज नाउ कमिंग, एक मिनट जरा मैं उनको ज्वाइन कर लेता, देख।